बच्चों आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से रीड आउट कर लें। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम में रीड आउट कर लें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में रीड आउट कर लें। फिर हम आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसका अच्छे से सोल्यूशन करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा होगा अपने अपने मीडियम्स में, तो आपको पता चला होगा कि आपको 429 के फैक्टर बनाने हैं। और वो फैक्टर कैसे बनाने हैं? प्राइम बनाने हैं, जिसको हिंदी में अभाज्य नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में आपको 4, 2, 9 को तोड़ना है। तो देखिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों। हम 429 का फैक्टर बनाने जाएंगे, तो ये जो 429 छोटू सा नंबर है, 2 पे तो कटेगा नहीं, तो 2 पे नहीं कटेगा, तो प्यारे बच्चों ये कटेगा 3 पे। अगर ये 3 पे कटेगा तो बच्चों देखिए 3 × 3 कैरी 1 आएगा, 1 कैरी आएगा और 2 आएगा, तो 1 और 2 यानी कि 12, तो ये कटेगा 4 पे 12 और 3 × 3 9। इसके बाद बच्चों ये नंबर जाएगा 11 पे, 11 पे, 11 × 11 और 11 × 3 = 33 और फिर लास्ट में जाएगा ये 13 × 13। अब प्यारे बच्चों आपका डाउट ये होगा कि सर आपको ये कैसे पता चला कि 143 जो है वो 11 से ही जाएगा, ना आपने यहाँ पे 7 से डिवाइड करा ना 9 से डिवाइड करा। इसका मतलब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कुछ तो झोल है, आपने ये क्वेश्चन पहले से ही सोल्व करके रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं डायरेक्ट इसकी रिकॉर्डिंग होती है और एडिट करने के बाद आपके सामने वीडियो अपलोड हो जाती है। तो अब मुझे पता कैसे चला, आप ये देखिए मैंने क्या करा बच्चों, इस 143 के मैंने जो ओड प्लेसेस की डिजिट्स थी, ये जो ओड प्लेसेस की संख्या थी बच्चों, मैंने ओड प्लेसेस की संख्या को प्लस करा, तो ओड प्लेसेस को प्लस करने पे आया 4। तो प्यारे बच्चों अगर हम ओड प्लेसेस की संख्या के सम में से माइनस कर देते हैं इवन प्लेसेस के सम की संख्या को, अगर हम प्यारे बच्चों ओड प्लेसेस के सम को माइनस करते हैं इवन प्लेसेस के सम से, तो अगर इसको माइनस करने पे बच्चों आपका आंसर 0 आ जाए या फिर प्यारे बच्चों आपका आंसर 11 आ जाए। अगर बच्चों आपका आंसर 0 आ जाए या आपका आंसर 11 आ जाए तो वो नंबर कंफर्म होता है कि वो 11 से ही कटेगा। तो देखिए हमने जब अपने इस नंबर 143 के ओड प्लेसेस का सम करा था तो वो आया था 4 और इवन प्लेस पे एक ही नंबर था 4, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आया, यानी कि ये बच्चों कंफर्म है कि 11 पे ही कटेगा। तो आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा, मैंने ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके नहीं रखा था, डायरेक्ट आपके सामने सॉल्व करा है। बट डिफरेंस ये आता है बच्चों कि मेरी एज में और आपकी एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्लस कर लेता हूं और आपको ये सब चीजें अभी सीखनी है। तो आप इसका फाइनल आंसर लिख देंगे बच्चों, 429 जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 × 11 × 13 के, 3 × 11 × 13 के। दिस इज योर फाइनल आंसर प्यारे बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर, 429 = 3 × 11 × 13। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी अपने अपने मीडियम्स में क्वेश्चन को रीड आउट करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए बच्चों जब आपने क्वेश्चन को रीड आउट करा होगा तो आपको ये पता चला होगा बच्चों कि आपको 51 / 2³ × 5² में ये बताना है कि अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड करो तो डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उस आंसर में पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस होंगे, यानी बच्चों पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस होंगे। तो इसके लिए आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है प्यारे बच्चों, इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास 2³ × 5² तो 2³ और 5² की जो पावर है, इस डिनोमिनेटर की जो पावर है प्यारे बच्चों, आपको उस पावर में से मैक्सिमम पावर चाहिए, आपको प्यारे बच्चों मैक्सिमम पावर चाहिए और आपके पास पावर एक 3 है और एक 2 है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बस ये बताओ कि 3 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप सब कहेंगे सर बड़ा नंबर है 3, आप सब कहेंगे सर बड़ा नंबर है 3, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर भी आ जाएगा 3। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 3 प्लेसेस, प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 3 प्लेसेस, आफ्टर 3 प्लेसेस द गिवन एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, 3 प्लेसेस के बाद जो है हमारा रैशनल नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि अगर हम उसको डिविजन करेंगे तो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद में 3 प्लेसेस आएंगी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पे है, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करूंगा और इसका सॉल्यूशन एकदम अच्छे से करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों आपने जब क्वेश्चन नंबर 3 को अपने अपने मीडियम्स में पढ़ा होगा तो आपको ये पता चला
कि हमारे पास HCF की वैल्यू दी गई है। प्यारे बच्चों हमें HCF की वैल्यू दी गई है 6, और प्यारे बच्चों हमें इसके अंदर LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमें LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, आपको HCF की वैल्यू दी गई है 6, तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये HCF 6 दिया गया है वो किस किस नंबर का HCF दिया गया है। तो आप कहेंगे सर देखो, एक नंबर तो है ये 336 और एक नंबर है ये 54, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों लेट। दो नंबर हमें दिए गए हैं, लेट ए इज इक्वल टू 336 और बी इज इक्वल टू 54। प्यारे बच्चों ए इज इक्वल टू 36 और बी इज इक्वल टू 54। इसके बाद बच्चों आपको एक तो HCF दे दिया गया इनका 6 और आपसे पूछा जा रहा है LCM क्या होगा। तो आपको ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद पता चला होगा बच्चों कि आपको इसके अंदर वो एक छोटू सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। प्यारे बच्चों आपको इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो आपके पास दो नंबर दे दिए गए 336 और 54, आपको HCF दे दिया गया 6 और आपसे पूछा जा रहा है LCM। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे 336 को गुना करेंगे 54 से, इक्वेट करेंगे इसको 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे LCM। अब आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं बच्चों की LCM निकालने के लिए ये जो हमारा प्यारा सा 6 है ये 6 मल्टीप्लाई में है, और आप जानते हैं कि जो 6 मल्टीप्लाई में है उसको हम जब दूसरी तरफ उठा के फेंकेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 336 गुना में 54, 336 गुना में 54 बटे में 6, जो मल्टीप्लाई है वो अब डिवाइड में आ जाएगा। तो आप ये देखिए बच्चों, आप इस 6 को 54 से काट सकते हैं, आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 9, 6 × 9 होता है 54। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों 336 गुना में 9, बस अब आप 336 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो 336 गुना 9 करना है हमें, 9 × 6 होता है प्यारे बच्चों 54, 5 ऊपर कैरी चला गया, 9 × 3 होता है 27, 27 में प्यारे बच्चों 5 ऐड करेंगे तो आएगा 32, तो 2 नीचे और 3 फिर से कैरी ऊपर चला जाएगा। जब आप फिर से 9 × 3 करोगे तो प्यारे बच्चों आपके पास 27 आएगा, प्लस करेंगे इसके अंदर 3 तो टोटल वैल्यू आएगी 30, तो आ यहाँ पे लिख देंगे 30 लिखने का मतलब है प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 3024। आपका जो आंसर निकल गया है प्यारे बच्चों वो निकल गया है 3024। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप इसका फाइनल आंसर लिख के आएंगे इस तरह से, तो हम यहाँ लिख देंगे LCM इज इक्वल टू 3024, इसको करेंगे हाईलाइट यानी कि बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे और अपना यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अवर आंसर। 3024 जो है हमारा 336 और 54 का LCM है। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। आपको क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको प्यारे बच्चों लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, और वो सबसे बड़ा नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो जो नंबर है इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर जो है प्यारे बच्चों इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इन तीनों से डिवाइड होने का मतलब है बच्चों जो भी आप नंबर फाइंड करेंगे, मान लो कि आपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर आपने नंबर 51 फाइंड करा तो ये 51 इसको भी कंप्लीट डिवाइड करे, ये 51 इसको भी कंप्लीट डिवाइड करे और ये 51 इसको भी कंप्लीट डिवाइड करे। अब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं सर देखो आपने जो 51 एग्जांपल लिया है उसके अंदर आपने कहा है कि कंप्लीट डिवाइड करें, लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1, 2 और 3 शेषफल बचाएं। शेषफल बचाने का मतलब है कि 1, 2 और 3 रिमाइंडर बचाएं, यानी कि फर्स्ट नंबर में रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, सेकंड वाले में रिमाइंडर 2 बचना चाहिए और थर्ड वाले में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। मैंने कहा यस, अगर आपने ये मेरी वर्डिंग्स की गलती को पकड़ा था तो आप सही ट्रैक पे हैं, अगर आपने नहीं पकड़ पाया तो आप गलत ट्रैक पे हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया था कि हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है और वो लार्जेस्ट नंबर ऐसा होना चाहिए, और हमने उस ऐसे नंबर को एग्जांपल के तौर पे 51 मान लिया, 51 मान लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं 1251 को 51 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचे, अगर मैं 9377 को 51 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचे, और अगर मैं 15628 को 51 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर 3 बचे। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो देखिए बच्चों आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारा रिमाइंडर पहले ही हम अपने नंबर में से माइनस कर दें तो वो नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप कह रहे हैं सर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू 1251, इसका रिमाइंडर माइनस कर दिया 1, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1250।
फिर आपने यहाँ पे लिखा बी और बी की वैल्यू निकाली आपने 9377 माइनस 2 और जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9375। फिर आपने यहाँ पे लिखा सी, सी इज इक्वल टू 15628, इसमें से माइनस करेंगे 3 तो ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास बच्चों 15625। अब आपको इसके अंदर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन में तीन नंबर दिए गए हैं आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे, आप पहला नंबर कंसीडर करेंगे 1250, आप दूसरा नंबर कंसीडर करेंगे 9375 और आप तीसरा नंबर कंसीडर करेंगे 15625। 1250, 9375 एंड 15625। अब देखिए बच्चों आपने नंबर तो फाइंड कर लिए कि एक नंबर है 1250, दूसरा नंबर है 9375 और तीसरा नंबर है 15625। अब आपको बच्चों इन तीन नंबर्स का यूज करके ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है इस बॉक्स के अंदर, कि वो नंबर इन तीनों से ही कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर वो नंबर इन तीनों को ही कंप्लीटली डिवाइड करेगा प्यारे बच्चों तो वो नंबर और कुछ नहीं होगा बल्कि इनका HCF होगा, क्योंकि HCF के अंदर H से होता है हाईएस्ट और हमारे क्वेश्चन में लार्जेस्ट का मतलब भी होता है सबसे बड़ा और हाईएस्ट का मतलब भी होता है सबसे बड़ा। तो प्यारे बच्चों आपको इसके अंदर 1250, 9375, 15625 का और कुछ नहीं फाइंड करना बल्कि HCF फाइंड करना है। और मेरा यकीन मानो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अगर आएगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों अच्छे से सीख लो। आपको इसके अंदर 1250, 9375, 15625 का HCF फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर देखो हमें HCF फाइंड करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन HCF किस मेथड से फाइंड करना है? तो इसके ऊपर आपकी चॉइस है बच्चों, आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, आप चाहें तो इसको यूक्लिड डिवीजन से कर लें, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लें। तो मेरा आपको सजेशन ये है बच्चों कि आप इस क्वेश्चन का HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से निकालें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन के अंदर नंबर दिए गए हैं वो थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं। तो आप सबसे पहले बच्चों 1250 के फैक्टर बनाओ, फिर आप बच्चों 9375 के फैक्टर बनाओ और फिर आप कह रहे बच्चों 15625 के फैक्टर बनाओ। तो एक बार वीडियो को रोको, पॉज करो और फैक्टर बनाओ और मैच करना क्या आपके फैक्टर मेरे फैक्टर से मैच होते हैं। अगर मैच होते हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, अगर मैच नहीं होते तो प्यारे बच्चों आपको टारगेट 95 प्लस की सीरीज में आने के लिए, आपको अपने एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो जल्दी से फैक्टर बनाओ इसके। तो देखिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने फैक्टर जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही सेम टू सेम बनाए हैं। अब प्यारे बच्चों आपने फैक्टर तो बना लिए, लेकिन आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारा 1250 है ये इक्वल टू है 2 × 5। अब आप कहेंगे सर आपने 2 × 5 लिख दिया, लेकिन आपने जो फैक्टर बनाए हैं उसके अंदर 5 देखो एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, तो आपने जैसा कि काउंट करा 5 4 बार आया। 5 4 बार आने का मतलब मैं इसकी पावर में लिखूंगा 5 की पावर 4। इसी तरह बच्चों हम जब 9375 के फैक्टर पे जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आई है 3 × 5। आप कहेंगे सर नहीं गलत, 3 × 5 नहीं आया, 5 आया है 1 2 3 4 5 बार, तो 5 की पावर 5 लिख दो। इसी तरह आप कहेंगे सर 15625 जो है इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ 5 आया है, लेकिन 5 आया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 6। अब बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है HCF, तो आप यहाँ लिखो HCF ब्रैकेट में लिखो 1250 9375 एंड किसका 15625 का। तो अब आप मुझे बच्चों ये बताओ इन तीनों का जो HCF है वो क्या बनेगा। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, आपको इनमें से कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बताइए क्या मैं 2 को कॉमन मान सकता हूँ, क्या 2 हमारा तीनों के फैक्टर में आ रहा है? आप कहेंगे सर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे 2 को तो लिखेंगे नहीं, 2 को काट दो। क्या 3 हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर नहीं, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 को भी काट दो। क्या हमारा 5 कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे यस सर 5 कॉमन आ रहा है। तो चलो बच्चों मैंने आपकी बात मान के यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 6। 5 की पावर 6
अब एक बच्चे ने बोला मुझे, सर देखो 5 की पावर 6 है, ये 5 की पावर 6 इस 1250 में नहीं आ रहा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो ये लो 5 की पावर 6 को हटा के यहाँ पे लिख दो 5 की पावर 5। अब एक दूसरे बच्चे ने मुझसे बोला कि सर देखो 5 की पावर 5 जो है ये भी 1250 में नहीं आ रहा, 5 की पावर 5 जो है वो 9375 में आ रहा है और 15625 में आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो 5 की पावर 5 को भी काट दो, आप यहाँ पे लिख दो 5 की पावर 3। अब एक बच्चे ने बोला सर आप क्या कॉमेडी कर रहे हो, 5 की पावर 3 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि 5 की पावर 3 जो है वो इन तीनों की तीनों पावर से छोटी पावर है। तो यानी कि मैं अपने आंसर में वो लिखूंगा बच्चों जो पावर हमारे फैक्टर में आई होगी, या तो मैं अपने एक्सएफ में 6 लिखूंगा या 5 लिखूंगा या 4 लिखूंगा, 3 लिखने का कोई तुक नहीं है। तो यहाँ से 3 भी कट जाएगा, आपने मुझसे 6 भी कटवा दिया, आपने मुझसे 5 भी कटवा दिया, आपने मुझसे 3 भी कटवा दिया क्योंकि 3 आ नहीं सकता। तो ये डेफिनेटली कंफर्म है कि 5 की पावर 4 आएगा और 5 की पावर 4 का मतलब है पहले बच्चों 625 आएगा। 5 की पावर 4 का मतलब है पहले बच्चों 625 आएगा और 625 को ही हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100, आप यहाँ पे लिखेंगे 625 इज द लार्जेस्ट नंबर, 625 इज द लार्जेस्ट नंबर। 625 जो है वो सबसे अधिकतम संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। जिस 625 को आप 1251 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर आप 625 को 9377 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर आप 625 को 15628 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 625। बच्चों देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपको बच्चों प्रूफ करना है कि जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, जो रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों हम जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जाते हैं तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है पहले बच्चों बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम इसका सोल्यूशन करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और बच्चों ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो रूट 2 वाला क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अगर ये प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 4 मार्क्स का आता है, ये डेफिनेटली है बच्चों, चाहे आप स्टैंडर्ड कोर्स के हो चाहे आप बेसिक कोर्स के हो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और तो और कभी कभी तो बच्चों ये क्वेश्चन चॉइस में भी आता है, इसके नीचे कोई और क्वेश्चन होता है और एक ये होता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप ये करिए ना चॉइस के अंदर, दूसरा क्वेश्चन क्यों करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स का बच्चा हो चाहे बेसिक मैथ्स का बच्चा हो वो इस क्वेश्चन को जरूर जरूर करेगा। तो देखिए बच्चों हम जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो हम उसके अंदर इस रूट टू को प्यारे बच्चों सबसे पहले मान लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहां लिखेंगे लेट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। रूट टू जो है प्यारे बच्चों वो एक रैशनल नंबर है, और अगर वो एक रैशनल नंबर है बच्चों तो आप मुझे बताओ जो हमारा रैशनल नंबर होता है ये रैशनल नंबर और कुछ नहीं बल्कि एक फ्रैक्शन होती है। और प्यारे बच्चों फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर को हम ए लेंगे डिनोमिनेटर को हम बी लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों एंड इट कैन बी रिटन इन ए अपॉन बी। हम रूट टू को ए अपॉन में बी में लिख सकते हैं क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। फिर यहाँ लिखेंगे वेयर, जहां पर ए कोमा बी, जहां पे ए और बी जो है ये को प्राइम है। अब आप सभी बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि सर को प्राइम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ, जिन दो नंबर का एचसीएफ जो है वो 1 हो, तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। फिर बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे जो ये रूट टू है वो इक्वल है ए अपॉन बी के, क्योंकि आपने अपनी ऊपर स्टेटमेंट में यही बात लिखी हुई है कि जो रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को आप ए अपॉन में बी की टर्म में लिख सकते हो, तो दोनों की दोनों बातें सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लिख देंगे रूट टू जो है वो ए अपॉन बी से इक्वल है। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों कि मैं इस रूट टू से रूट को हटाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर प्यारे बच्चों हम इनकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर। तो यह आएगा प्यारे बच्चों आपके पास 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप इसको लिख दोगे प्यारे बच्चों 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर,
और फिर आप लिख दोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। आपने ये स्टेटमेंट निकाल दी बच्चों कि जो ए स्क्वायर है वो टू के मल्टीप्लीकेशन में है। अगर प्यारे बच्चों कोई नंबर टू के मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा कंफर्म है कि जो ये ए स्क्वायर है ये टू से डिविजिबल है। और प्यारे बच्चों अगर ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है हमारा तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि ए भी टू से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद एज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। फिर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय के। हम कह रहे बच्चों इस ए के अंदर टू के की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह पे टू के लिखना है तो यहाँ लिखेंगे टू के की पावर टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय बी की पावर टू। जब आप इसको लिखोगे तो यह आएगा फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। टू से फोर कटेगा प्यारे बच्चों टू पे तो आपके पास आ जाएगा टू के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो टू के स्क्वायर के इक्वल है। तो जैसा आपके पास इस इक्वेशन के अंदर बच्चों ए स्क्वायर के अपोजिट में टू आया था आपके इस इक्वेशन में भी बी स्क्वायर के अपोजिट में टू आया है। तो जैसे आपने लिखा था ए स्क्वायर डिविजिबल बाय टू एंड ए इज डिविजिबल बाय टू इसी तरह आप यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो बी भी टू से डिविजिबल होगा। अब आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए बच्चों, आपने ये निकाला कि आपका ए जो है वो टू से डिविजिबल है, आपका बी जो है वो टू से डिविजिबल है, मान लेते हैं ये टू एम है, मान लेते हैं ये टू एम है, तो आप मुझे इनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ होता है दोनों के अंदर जो कॉमन होता है और दोनों के अंदर कॉमन है प्यारे बच्चों टू। अगर दोनों के अंदर कॉमन टू है तो इसका एचसीएफ कितना है टू। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है एचसीएफ कितना होगा वन होगा जो गलत है। यानी कि प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ ये कंफर्म है या तो टू आएगा या टू का कोई मल्टीपल आएगा, या तो प्यारे बच्चों टू आएगा या टू का कोई दूसरा मल्टीपल आएगा। तो आपने जो ऊपर एज्यूम किया हुआ है कि जो ए और बी को प्राइम है, आपने यहाँ पर लिखा है कि ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब ये बना कि ये स्टेटमेंट गलत है। अगर प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है तो इससे पहले जो लिखा गया है रूट टू एक रैशनल नंबर है ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो मुझे बताओ इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। प्यारे बच्चों इसका करेक्ट वर्जन ये होगा कि जो रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे बनाकर लिखेंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय टू। अगर ए और बी दोनों के दोनों टू से डिविजिबल हैं बच्चों तो इसका मतलब ये है, तो यहां लिखेंगे इट मींस एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी जो है वो वन नहीं है, इज नॉट वन, राइट। एचसीएफ जो है वो ए और बी का वन नहीं है। तो अगर एचसीएफ ए और बी का वन नहीं है प्यारे बच्चों तो यहां लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने जो अपनी स्टेटमेंट्स को एज्यूम किया था वो रॉन्ग प्रूफ हो गई है तो उसकी इंग्लिश बनेगी अवर एजम्पशन प्रूफ्स रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन है प्यारे बच्चों वो रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। और प्यारे बच्चों अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो रूट टू जो है एक इरेशनल नंबर है, रूट टू इज एन प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर, जो रूट टू है वो एक अपरिमेय संख्या है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। और ये स्टेटमेंट लिखते ही प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न जो है वो खत्म हुआ। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स को जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था उसको प्रूफ कर दिया है कि जो रूट टू है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है।